के कई इलाकों में अभी तक पीने के पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंची है। ऐसे इलाके में पानी सप्लाई के लिए सरकार ने वाटर टैंकर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम नाम से एक योजना बनाई थी। 2011 की इस योजना में टैंकरों के जरिए अनऑथराइज कॉलोनियों में पानी पहुंचाया जाना था। इस योजना के मुताबिक स्टेनलेस स्टील के टैंकर मंगाए जाने थे जो जीपीएस से लैस होने थे और इसके जरिए हर गली के लिए एक निश्चित अंतराल में टैंकर पहुंचाने की योजना थी। दिल्ली सरकार की फैक्ट फंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक दो कंपनियों को कंसल्टेंट नियुक्त किया गया। एनएसआईजी और डीआईएमएटीएस नाम की दो कंपनियों को नियुक्त किया गया था। जल बोर्ड के अफसरों ने दलील दी थी कि एनएसआईजी एक सरकारी कंपनी है, लेकिन जांच के बाद पाया गया कि ये कंपनी एक्ट के मुताबिक एक निजी कंपनी थी। एसएमपीएल तय दरों से लगभग 50% के रेट पर काम करने के लिए तैयार थी, फिर भी एसपीएमएल और दूसरी कंपनी रीटेंडरिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लेने से बैन कर दिया गया था। एसपीएमएल कंपनी को रीटेंडरिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लेने से ही बैन कर दिया गया। शीला दीक्षित ने रामकी एनवायरो इंजीनियर्स लिमिटेड के इकलौते टेंडरों को मंजूर किया था। जांच में यह भी पाया गया कि ये टेंडर कहीं ऊंचे रेट पर मंजूर किए गए। फैक्ट फंडिंग कमेटी ने पाया कि दिल्ली जल बोर्ड के फैसले की वजह से सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ। 10 साल के लिए इन कंपनियों से करार किया गया, जिसकी वजह से नुकसान का आंकड़ा 360 करोड़ तक पहुंच गया और इस मामले में जून 2015 में दिल्ली सरकार ने फैक्ट फंडिंग कमेटी बनाई थी। अगस्त 2015 को मंत्री कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी भी लिखी थी और चिट्ठी में पूर्व मुख्यमंत्री और उनके खिलाफ FIR की सिफारिश की गई थी।